प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शांति के प्रयासों के लिए लगातार काम किया है। दक्षिण एशिया में अमन चयन और भाईचारे की स्थापना के साथ ही पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा इसी का उदाहरण है। भारत नेपाल के बीच न केवल सामाजिक और आर्थिक रिश्तों में मजबूती मिल रही है, बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी नेपाल के युवा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद प्रभावित हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विजन को नेपाल में भी काफी सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक शांति प्रयासों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की रॉयल व्हाइट मॉनेस्ट्री नेपाल के प्रमुख आचार्य गुरुकर्मा थानपाई से। भारत विविध सांस्कृतिक रचना वाला देश है। यहाँ की कला, संस्कृति और साहित्यिक विरासत के साथ साथ धर्म और त्यौहार संपूर्ण दुनिया को अमन, चैन और भाईचारे का संदेश देते हैं। भारत के वैश्विक शांति प्रयासों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य गुरुकर्मा थानपाई। सर, भारत विश्व में शांति का दूत है। यहाँ के प्रयास संपूर्ण जगत को, वैश्विक जगत को अमन, चैन और भाईचारे का संदेश देते हैं। आप दुनिया भर में घूमते रहते, किस तरह देखते हैं भारत के वैश्विक शांति प्रयासों को? जी हाँ, ये जो हमारा भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, ये संपूर्ण धर्म के भूमि है। ये ज्ञान और करुणा का सागर है, डिवाइन कल्चर का सागर है। इस धरती, जो हिंदुस्तान की धरती से प्रेम का संदेश, शांति का संदेश और मानव रक्षा का संदेश और सब एक्टिविटी जो है यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ से शुरू होने के बाद संसार में शांति मिलते हैं, मानव कल्याण हो जाते हैं, विश्व को शांति मिल सकते हैं। दुनिया में आतंकवाद कई देशों में फैल रहा है, भारत की पहल देखें या वैश्विक जो धर्म गुरु हैं उनकी पहल को किस तरह आप देखते हैं आतंकवाद को रोकने के संदर्भ में? देखो, ये आतंकवाद लोग है, ये हमारा एक भाई है, गुमराह में पड़े हुआ एक इग्नोरेंट भाई है। उसमें ज्ञान की कमी है, इसमें प्रेम की कमी है, किसी ने इसको ज्ञान और प्रेम की शिक्षा नहीं दिया है, इसलिए ये लोग बहुत तकलीफ में है। तो इसलिए हमारा भारत सांस्कृतिक और भारत का आत्मा जो करुणा से भरा हुआ आत्मा है, शांति के भरा हुआ आत्मा है, जो ज्ञान से भरा हुआ आत्मा है, वो लोग को थोड़ा प्रेम से, थोड़ा दया से, करुणा से डीलिंग करने से वो लोग का आत्मा शांत कर सकते हैं, वो लोग को मार्गदर्शन दे सकते हैं। भारत और नेपाल के धर्म, रीति, लोक मान्यताएं लगभग समान है। यहाँ के युवाओं को आपसी देशों को कल्चर, संस्कृति से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसलिए ये है, जो भारत नेपाल जन एशियन नेबरिंग कंट्री है, ये सब ओमकार परिवार में पड़ता है। इसमें हमारा भगवान बुद्ध को ज्ञान धर्म और भगवान जो कृष्णा और भगवान राम हिंदू का जो ऋषि मुनि का ज्ञान, वैदिक ज्ञान बड़ा हुआ है। तो ये जैन, सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू, ये जो ओमकार परिवार है, ये ओमकार परिवार का ज्ञान और शिक्षा से मानव को शांति मिलते हैं। भारत देश हमेशा नए नए इनिशिएट लेके वैश्विक जगत को जोड़ने का काम करता है। देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ध्यान देते, संपूर्ण सृष्टि पर बेटियों का एक जो आकर्षण है, बेटी को बचाने की जो मुहिम है, उसमें प्रधानमंत्री जी की पहल को वैश्विक संदर्भ में आप किस तरह देखते हैं? ये जो हमारा परम पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश, उसका चाहना, भारत सरकार चाहना, जो भारत का बेटी बचाओ, भारत का भूमि बचाओ, भारत का देश बचाओ, सांस्कृतिक बचाओ, धर्म बचाओ, जो आवाज़ है वो आवाज़ सिर ऊपर है हमारा। ये सब, ये आवाज़ हम सब हिंदुस्तान और हम सब धर्म मानने लोगों के लिए एक अमृत है, ये पालन करना चाहिए। हम इतना ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा भारत के सांस्कृतिक दया ज्ञान के पालन, खुद का पालन करके हम सब मानव को शांति मिल आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दक्षिण एशिया में शांति के प्रयासों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, भारत नेपाल के संबंध सुधर रहे हैं, किस तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आप जोर देते हैं? मैं हिंदुस्तान की पब्लिक, सारी दुनिया का जो पब्लिक है, उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग सब पुण्य करें, आप लोग सब दया करुणा पालन करें, शांति के मार्गदर्शन चलें, भगवान के ज्ञान को पालन करें, ज्ञान करुणा सहनशीलता के कारण से सबको इतना अच्छा काम करने का मौका पाएं कि हमारी दुनिया को, पूरा दुनिया को शांति मिल जाए। तो ये तो रॉयल व्हाइट मॉनेस्ट्री नेपाल के प्रमुख और महामुद्रा मेडिटेशन सेंटर हंगरी यूरोप के प्रमुख आचार्य गुरुकर्मा थानपाई, जिनका मानना है कि भारतीय कला, संस्कृति
और धर्म न केवल पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधकर आपस में अमन चैन और भाईचारे का संदेश भी दे रहे हैं। कैमरामैन गोपाल दास के साथ ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।